हेलो फ्रेंड्स ऑफ श्योर इज इट योर कप ऑफ टी इज ऑफ श्योर योर कप ऑफ टी ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहते हैं इतने सारे जॉब ऑप्शन है ऑफ में आज के डेट में इंडिया में इट्स अ बूमिंग सेगमेंट चाहे वो एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हो ऑडिटिंग हो टैक्सेशन हो प्रोडक्ट कंट्रोल क्रेडिट एनालिस्ट रोल फंड अकाउंटिंग एक्विटी रिसर्च सब कुछ बिग टाइम इंडिया आ चुका है ऑफ में क्वेश्चन ये हो जाता है कई बार फ्रेशर्स के मन में कि सर मेरे पास एक लेट से एक आईसीआईसीआई बैंक का रिटेल में क्रेडिट का रोल है और एक है ऑफशोर ऑडिट ऑफशोर शोर में मे भी डेढ़ दो लाख ज़्यादा में मिलता है बट जिससे भी बात करो बोलते हैं ऑफशोर में नहीं जाना चाहिए तो क्या मुझे ऑफशोर में जाना चाहिए <coughs> या फॉर द हेक ऑफ इट इंडियन प्रैक्टिस में जाना चाहिए मैं क्या करूँ तो देखिए ये बहुत मिक्स्ड फीलिंग है इसके बारे में जैसे मैंने लास्ट वीक भी एक वीडियो बनाया था देर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट जॉब हर जॉब में कुछ प्लेज होता है कुछ माइनसेज होता है सो इट रियली डिपेंड्स ऑन वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर जॉब इन टर्म्स ऑफ लक्ष्मी पैसा सरस्वती नॉलेज एंड दुर्गा पावर इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कभी देख सकते हैं ऑफ्टोल में जाके मे बी यू नो फर्स्ट थॉट आपको ये आ सकती है कि मैं फिर इतना पढ़ाई क्यों किया क्योंकि तो मेरा इंडियन इन डे से या इंडियन टैक्सेशन से कोई कनेक्ट ही नहीं आई एम वर्किंग एज पर यू एस गैप आई एम वर्किंग एज पर यूरोपियन वैट लॉस या मैं किसी न्यूयॉर्क के बॉन्ड ट्रेडर को इंडिया में सपोर्ट कर रहा हूँ सो वट आई एम आई डूइंग एज कंपेयर टू वट आई हैड स्टडी दैट्स अ फीलिंग ठीक है फेयर ए ना बट इवेंचुअली आपको समझना होगा कि आपको जॉब से क्या चाहिए जैसे मैंने कहा लक्ष्मी पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ सरस्वती आपको एक अच्छा नॉलेज मिलता है मे बी ऑफ अ डिफरेंट डोमेन ऑफ अ डिफरेंट जोग्रफी एंड दुर्गा डेफिनेटली एज यू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ते हैं यू मूव फ्रॉम एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर रोल टू अ टीम मैनेजर एंड इवेंचुअली बिजनेस लीडर आपको बिजनेस लेके आना है बिकॉज ऑफ में भी आज के डेट में कॉम्पिटिशन है सो पी डब्ल्यू सी इंडिया फॉर एग्जाम्पल विल बी कॉम्पिटिंग विथ पी डब्ल्यू सी इन लेट्स पोलैंड एंड सी इन मलेशिया और इंडोनेशिया जहां पे लो कॉस्ट डेस्टिनेशन में दे हैव टू फाइट फॉर दैट डॉलर विच द यूएस एंटिटीज स्पेंड्स तो आप ग्रो कर सकते हैं एम कल्चर होता है सिस्टम्स प्रोसेसेस वेल डिफाइंड होते हैं आपको बहुत सारे इंडियन ऑन शोर जॉब में सिस्टम्स प्रोसेसेस नहीं डिफाइंड रहेंगे कॉपोरेट गवर्नेंस नहीं रहेगा सो इन दैट केस आप क्या करोगे यहाँ पे एम्प्लॉई एंगेजमेंट के लिए काफी एक्टिविटीज होती है आपको काफी कुछ लर्निंग इनिशियेटिव करने मिलेगा कंपनी आपका सीपीए भी स्पॉन्सर कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स ट्रैवलिंग मिल जाएगा सो फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन बिग फोर में रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इट इज अज्यूम्ड की सिक्सटी सेवेंटी परसेंट टाइम आप अपने घर में नहीं रहोगे बी ट्रैवलिंग यहाँ पे यू विल ऑलवेज बी इन योर होम अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है अगर आप फॉरेन जाएंगे तो ऑनशोर में आपको थ्री मंथ्स का स्ट्रेंथ मिलेगा इफ यू कैन कंप्लाई विथ सेट पैटर्न स्ट्रीमलाइन थिंग्स एक SOPs है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं आपको रोज इनोवेशन नहीं चाहिए तो आई थिंक ऑफ शोर इज क्वाइट अ थिंग वर्क लाइफ बैलेंस विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन क्या प्रोसेस है क्या टीम है कैसा मैनेजर है इसके लिए कोई डिफाइंड नहीं है विद इन द सेम कंपनी विद इन द सेम प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि कोई रात रात भर काम कर रहा है और कोई हो सकता है कि वेल डिफाइंड पैटर्न के साथ काम कर रहा है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका मैनेजर कैसा है कैसा प्रेशर है टीम के ऊपर बाकी लोग कैसा काम कर रहे हैं अगर आप मैनेजर हैं आपके सबॉर्डिनेट्स उतने अच्छे नहीं है काम में तो ऑफकोर्स आपको ही अल्टीमेटली रिव्यू ज्यादा करना पड़ेगा एंड देन काम भेजना पड़ेगा तो आपका वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा एंड ऑनशोर में भी देखिए उसका ओन चाम है फॉर so एग्जाम्पल आप बॉन्ड मार्केट्स में इंडियन बॉन्ड मार्केट्स पर डील कर रहे हैं ट्रेजरी आपको फंक्शन मिला या एम एन ए आप कर रहे हो ऑफ कोर्स इट्स अ लॉर्ड ऑफ एक्साइटमेंट दैर मैंने इन स्पेसिफिक रोल्स में काम भी किया हुआ है ऑन एंड ऑफ तो मेरे को पता है कि हाँ, उसका एक अलग एक्साइटमेंट रहता है बट द थिंग इज दैट क्या सारे ऑन शो प्रोफाइल्स उतने एक्साइटिंग होते हैं सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन या जीएसटी कंप्लायंस कर रहे हो तो हर महीना तो वो जीएसटी आर वन जीएसटी आर थ्री बी ईवे बिल सम समिटिगेशन ऑन एंड ऑफ तो ऐसा भी कोई नहीं कि बहुत ही रॉकिंग जॉब होता है अकाउंटिंग है आपको इंडिया अच्छा लगता है बट मोस्ट इंप्लीमेंट हो चुका है से है, है, आपको quarterly उसी को करना है Links with studies, of course, रहेगा रहेगा क्या कितना रहेगा? क्योंकि जॉब्स विल ऑलवेज भी कम्पार्टमेंटलाइज बिकॉज वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था टेलर का उसके हिसाब से क्या कर दिया हर वर्क को स्प्लिट करके एक इंडिविजुअल को उसमें स्पेशलाइज करा देते हैं बढ़ाने के लिए तो उस वजह से जस्ट लाइक एन ऑटो प्लांट में जो असेंबली स्ट्रक्चर होता है ना कि यही काम बार 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 इंसान कर रहा है तो बेटर होगा ऑफकोर्स ऑन शोर में फिर थोड़ा रोटेशन भी हो सकता है कि आप अकाउंटिंग में है आप एम एन ए में शिफ्ट हो गए या मे बी आप कॉस्टिंग बजटिंग में चले गए बट सो इट डिपेंड्स आई विल नॉट से कि ये सही है या ये गलत है आपको क्या मिलता है आपके पास क्या ऑप्शन है उसके बीच में इवेल्यूएट करिए कई केसेस में ऑफ बहुत सही रह जाता है फॉर एग्जाम्पल लाइक बैकवर्ड टाउन है फॉर एग्जाम्पल कि आप एकदम टीयर थ्री सिटीज में है अभी वर्क फ्रॉम होम में स्लोली स्लोली वर्क फ्रॉम एनी का कंसेप्ट आ रहा है सो देन ऑफ शोर बिकम्स अ वेरी गुड थिंग फॉर एग्जाम्पल आपको रायबरेली में ही रह के काम करना है या आपको आसनसोल या गिरडी में रह के काम करना है तो क्या कर सकते हो आप ऑफ शोर में अगर आपको वैसा बहुत सारा जॉब्स मिलेगा बिकॉज दे आर रियली नॉट बॉर्दर्ड अबाउट कि आप आप फिजिकली ऑफिस आ रहे हो कि नहीं इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए कैलकाटा जैसे शहर में, में जहाँ बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो ऑफ शोर है ई वाई जी डी एस एस पी डब्ल्यू सी एस डी सी एच एस बी सी कैब जमना इंडोरामा इतने सारे ऑफ शोर है यहाँ पे कि आप उस लाइन में रह के धीरे धीरे और मैंने ऑफ शोर में लोगों को सत्तर लाख अस्सी लाख एक करोड़ तक की सैलरीज पर जाते हुए देखा है सो इस ऑफ शोर कप ऑफ टी आंसर इज इट डिपेंड्स लाइक अ टिपिकल एम बी ए वु आंसर तो मैं भी आपको वही आंसर दे रहा हूँ इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए कैसा आपका एक्सपेक्टेशन है बट देर इज नो क्लियर नो टू इट जो कई बार मैन ऑन द स्ट्रीट आपको बोले अरे तुम ऑफ शोर में क्यों जा रहे ऑफ शोर में मत जाओ दैट इज नॉट द केस लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी वेरी कैलिब्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ मेरे को क्या चाहिए लाइफ में मेरे को क्या मिल रहा है फीडबैक भी अब लोगे तो, लोग मिक्स फीडबैक देंगे सो मे बी टेक द दस यू आर टेक द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट एंड देन डिसाइड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे शेयर करिएगा Bye-bye. All the best.